मिसिंग नंबर, ठीक है। ये तीनों चीज दी गई है, तीनों चीज, इसमें एक चीज गायब कर दी गई, यानी कि इसमें कोई मेथड लग रहा होगा, फिर इसमें अल्टीमेटली हम इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बड़े नंबर को बढ़ाने मनाने की कोशिश किया करो, ठीक है भाई, क्या हो सकता है। देखो अगर इस वाली फिगर में 117 यानी कि 117 को इससे डिवाइड कर दूं 13 से, कितना आ गया 9, 9 में 2 ऐड कर दूं तो मुझे 11 मिल जाएगा, मिल गया। क्या यही अप्रोच से ये वाली फिगर आंसर दे रही है? अगर दे रही है तो फिर मेरा आंसर इसमें फिट हो जाएगा। जो अप्रोच मैंने यहां लगाई वही मैं इसी फिगर में लगाऊंगा, जब इस फिगर में पास हो गई, लग गई, तभी मैं तीसरी पर लगा सकता हूं, वरना नहीं। मान लो ये मैंने अप्रोच इसमें लगाई, इसमें नहीं लगी, तो फिर क्या होगा, मुझे दूसरी अप्रोच ट्राई करनी पड़ेगी। जो दोनों फिगर को सेटिस्फाई कर जाए तब तीसरे पे आपको आगे लगाना है, ऐसा नहीं कि तुक्का भिड़ा दिया कुछ भी। अब मैंने क्या किया था, इस नंबर को इससे डिवाइड किया था, दैट मीन्स 784 को 14 से डिवाइड करना होगा मुझे, ठीक है, और उसमें प्लस 2 ऐड करके 50 लाना पड़ेगा। तो क्या होगा भाई, इसको मैं काटूं तो कितना आता है ये 56, इसमें 2 ऐड करूंगा 58। भाई यही अप्रोच से मुझे ये आंसर भी मिल रहा है, इस वाली फिगर में भी ये टेक्निक लग रही है, तो मैं अब लगा सकता हूं यहां पर आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 525 को 25 से डिवाइड किया, ये कितना हो गया 21, प्लस 2 करा तो कितना आएगा आंसर मेरा 23। अगला 19, 15, 12, 119, 14, 17, 104, 13, इसमें क्या आएगा? तो बहुत आसान है, देखो अगर मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, 50 नीचे वाले दो नंबर को, कितना आएगा 180, 180 को 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा 90, ये मिल गया। क्या ये अप्रोच इसमें लग रही है, 14 इंटू 17 डिवाइड 2 किया 119, ठीक है। नाइन, ठीक। क्या ये अप्रोच अब इस दर लग रही है? अब देखो ये क्या किया मैंने, 13 इंटू, ये मुझे नहीं पता, इंटू एक्स कर दिया, जो मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 2 किया, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, ऊपर वाला नंबर मिलना चाहिए ना। देखो दोनों को मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 2 किया तो ये मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया 2 से तो मुझे मिलना चाहिए 104। सॉल्व कर लो एक्स के लिए, 13 एक्स इज इक्वल टू हो गया 104 इंटू 2, एक्स इज इक्वल टू हो गया 104 इंटू 2 अपॉन 13, 8, 8 टू 16, आंसर आ जाएगा 16, ठीक है। देखो कल भी मैंने एक चीज बताई थी कि जब तक ये जो भी टेक्निक आप लगा रहे हो दोनों फिगर में सेटिस्फाई नहीं हो जाए तब तक थर्ड में नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि भाई क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक पे सेटिस्फाई होगी, किसी तरीके से हमने ये वाला सॉल्व कर लिया हिस्सा और इसको देखा ही नहीं इस पर लगा दिया, तो आंसर गलत हो जाएगा। दो फिगर है तो आपको दोनों में ट्राइड एंड टेस्टेड होना है, उसके बाद थर्ड पे अप्लाई करना है। अगर यहाँ तीन फिगर होती टू तो नाइनटी मतलब चार फिगर होती क्या, टू नाइनटी 290, हाँ गुड। देखो अगर यहाँ चार फिगर होती तो पहले आपको तीनों में ट्राई करना होता, फिर चौथी पे लगाते, लेकिन इसके उल्टा, अगर इसके उल्टा, इसके विपरीत, इसके बरक्स, अगर यहाँ पे सिर्फ दो ही फिगर होती, मान लो ऐसे होती, एक फिगर ये दी हुई है, मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ रैंडमली कोई, ठीक है, 10, 9, ये क्वेश्चन मार्क, ऐसे मैंने रेंडमली एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, अगर यही फिगर होती बस दो, ठीक, तो जितने तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते थे उतने तरीके से ये भी सॉल्व कर सकते हो, उतने आंसर पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक। यहाँ दो फिगर, तीन फिगर हैं तो पहले ये जो इसमें लगा रहे हो वो इसमें लगाओगे, दोनों में सेटिस्फाई होनी चाहिए तब तीसरी में लगाओगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि दो ही फिगर दी गई है तो इसमें जितनी लग जाएंगी ना टेक्निक्स उतने ही आंसर पॉसिबल हो जाएंगे भाई। हर आंसर एक डिफरेंट, हर टेक्निक एक डिफरेंट आंसर देगी, ठीक
क्योंकि एक ही फिगर है यहाँ पे। आपने मान लो किसी और तरीके से 6-7 को मिला के 8 बना लिया, या मैं चलो इसे 80 कर देता हूँ, 6-7 का इस्तेमाल करके 80 बना लिया, तो वैसे ही यहाँ भी एक आंसर हो जाएगा। अगली बार किसी और तरीके से इसे बना लिया तो फिर आंसर बदल जाएगा आपका। अगर फिगर एक है तो आंसर बहुत सारे पॉसिबल हो जाएंगे, लेकिन फिगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है सब में ट्राई करने के बाद ही आप इसमें लगाओगे। ऐसा नहीं है एक पर ट्राई कर लिया फौरन लगा दिया, आंसर गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे आपके। ठीक है चलो, तो 4541 कैसे बना सकता हूं? मैंने हमेशा का थोड़ा बड़ा नंबर बनाने की कोशिश किया करो, इसको एयर क्यूब याद करके देखो। अगर मैं देखो इस फिगर में देखू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर दूं कितना आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 16 प्लस 25 कितना हो गया 41, ये मिल रहा है मुझे। ऊपर वाले दोनों नंबर्स का स्क्वायर कर दिया तो मुझे नीचे वाला नंबर मिल रहा है, क्या ये टेक्निक यहाँ फॉलो हो रही है? 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 17 का स्क्वायर 289, 324 मिला के कितना हो गया 613, ये भी काम कर गई टेक्निक। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पर हमारा ये वाली टेक्निक वैलिड है, दोनों में लग गई तो मैं इस पर लगा सकता हूँ। तो भाई क्या होगा आंसर, 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 169 कितना हो गया 290। ठीक है, ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फसल जाएगा, देखो यहां पे क्या किया, 4 8 32 का आधा 16, 6 4 24 24 का आधा 12, 8 9 72 पहले ही आ गया आंसर मेरा, आधा 36। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ठीक है देखो इसमें अप्रोच है, अगर मैं साइड वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं 1 into 2 plus 3 into 4, ये कॉर्नर वाले नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, ये कॉर्नर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और जोड़ दिया, 1 into 2 2 plus 3 into 4 12 that is 14, ये मिल गया मुझे। क्या ये अप्रोच इसमें लग रही है भाई, 5 into 6 कॉर्नर का नंबर प्लस ये वाले कॉर्नर 7 into 8 कितना आया 30 plus 56 कितना हो गया 86। ठीक है तो मैं यहां पे भी लगा सकता हूँ ये टेक्निक, यानी कि इनको इनको 9 और 10 11 एंड 12, 9 into 10 plus 11 into 12 कितना हुआ 90, और यहाँ पे क्या हुआ 132 कितना हो गया 222। ठीक है क्लियर, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है भाई। यहाँ पे क्या किया है देखो, डायगोनली स्क्वायर लिख दिए गए सब पे, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169। हाँ ठीक है सिंपल, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सर। 169 है, 69 नहीं। हाँ वन छूट गया होगा, भावनाओं का समझो, बोला मैंने 169 है, लिखा 69 लिख दिया। चलो चलो सब लोग देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सर्कुलर फॉर्म में हो, देखो सर्कुलर फॉर्म में, ये देखो ट्रिक याद कर लो या टिप्स याद कर लो, शॉर्टकट तरीका करने का ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करोगे। देखो सर्किल में क्या होती है चीजें, ये क्या है मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये हिस्सा क्या होगा एक सेक्टर कहलाता है ना सेक्टर। जब भी सर्कुलर फॉर्म में हो तो आप एक सेक्टर को ऑब्जर्व किया करो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इधर उधर सॉल्व करने लगे, सेक्टर वाइज अप्रोच रखो। ठीक है एक सेक्टर ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब मैं अगर इस सेक्टर में यहां ऑब्जर्व करूं, इस वाले सेक्टर में 2, 3 और 7 है, मैंने कहा ना हमेशा बड़ा नंबर बनाने की कोशिश किया करो, तो 2 और 3 को मिला के मैं 7 कैसे बना सकता हूँ, 2 plus 3 5 plus 2 7 ऐसे भी बन सकता है, तो क्या क्या ये दूसरे में लगेगी अप्रोच, 5 plus 7 plus 2 नहीं होगा। तो कुछ और देखूं, अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं प्लस 3 कर दूं, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 plus 3 7 मिल गया, क्या ये अप्रोच यहां लग रही है, इस पर ट्राई करता हूं। 5 का स्क्वायर कर दूं इस वाले के लिए, 5 का स्क्वायर प्लस 7 ऐड कर दूं, ठीक कितना आया 25 plus 7 32, ये भी अप्रोच इस पर लग गई। अगर ये वाली अप्रोच
इस पे और लग जाए मेरी, तो मेरा काम बन गया भाई, है ना। अगर ये वाली अप्रोच थर्ड सेक्टर में भी लग जाए तो फोर्थ सेक्टर में मैं अपने आप लगा दूंगा, कोई इशू नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे भाई, 6 का स्क्वायर प्लस 15 कर दूं, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 15 कितना हो गया 51, मिल गया भाई। ठीक, अब चौथे में मैं लगा सकता हूँ 12 का स्क्वायर, ऐसे ही इसमें 12 का स्क्वायर प्लस 13, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 13 कितना हो गया 157, ये आंसर हो गया। कोई सवाल? हाँ सर 100 लास्ट वाले का। मैं आगे पे बाद में आऊंगा, ठीक है वो, ठीक है वो आसान है। इस वाले में बताओ कोई सवाल होना नो सर। चाहिए, सवाल होना चाहिए यहां पर। सवाल ये होना चाहिए था कि सर आपने यहां पे लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 3, समझ में आ गई बात। 5 का स्क्वायर प्लस 7, समझ में आ गई बात। मैंने यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 15 15 करा, ऐसा क्यों नहीं कर लिया 15 का स्क्वायर प्लस 6 कर देता मैं, ठीक है। ये यहाँ पे 13 का स्क्वायर प्लस 12 कर देता, ठीक है। ये यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 करता। ऐसा हो क्यों रहा था? ये अप्रोच है क्या दरअसल? कि चलो ये चीज हो गई, यहां से तीनों तीनों सेक्टर में मुझे आंसर मिल गए, चलो जो भी मैंने स्क्वायर करा। थर्ड वाले मैंने ये क्यों नहीं कर दिया कि 13 का स्क्वायर प्लस 12 कर देता, आंसर क्यों नहीं हुआ वो? सर आपने एंटी क्लॉकवाइज किया क्या सर? कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, कैसे भी कर लो। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, आपका सवाल ये होना चाहिए था कि सर आपने यहाँ पे 12 स्क्वायर प्लस 13 क्यों किया? 13 स्क्वायर प्लस 12 करेंगे तो आंसर बदल जाएगा, 169 प्लस 12 171 हो जाएगा फिर आंसर, लेकिन वो गलत होगा। क्यों? यहां पे अप्रोच हो रही है छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस एडिशन ऑफ बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किया और बिगर नंबर को ऐड किया है। देखो इस वाले सेक्टर में भी यही किया है, क्या किया है, छोटे नंबर का तो स्क्वायर कर दिया, बड़े नंबर को ऐड कर दिया। 5 और 7 में छोटे नंबर का स्क्वायर, बड़े नंबर को ऐड कर दिया। इसमें 6 का स्क्वायर छोटे नंबर का स्क्वायर, बड़े नंबर को ऐड किया, तो इसीलिए मैंने यहां पर 12 का स्क्वायर किया और ऐड किया 13 को, ठीक है। यहाँ पे अप्रोच ये थी कि छोटे नंबर का स्क्वायर प्लस बड़ा नंबर ऐड किया, क्लियर। चलो देखो सेक्टर वाइज यहाँ भी अप्रोच करोगे, देखो इस वाले सेक्टर में क्या है, 6 प्लस 3 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 ये लिखा हुआ। इस वाले सेक्टर में 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 ये लिखा हुआ। इस वाले में 5 प्लस 7 12 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 ये लिखा हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 10 हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, आंसर आ जाएगा 100। इस वाले में क्या अप्रोच थी कि दोनों नंबर को ऐड कर दिया और स्क्वायर उसका यहाँ पे लिख दिया बस, सेक्टर वाइज। तो मैंने आपको ये बताया सर्कुलर वाले क्वेश्चन सेक्टर वाइज सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, आप ये भी काम कर सकते हो, 7 प्लस 16 सारे कॉर्नर वालों को जोड़ो, 7 प्लस 16 प्लस 34 ये मेरे पास नहीं है, x प्लस 142 प्लस 286 बराबर रख दिया मैंने बीच वाले नंबर पे, सारे नंबर को जोड़ा बराबर कर दिया बीच वाले के, तो यहां से मैं x निकाल सकता हूं, ठीक है। तो आराम से x निकल जाएगा यहां से, 555 ये कितना हो गया, x हो गया 555 माइनस कितना करना पड़ेगा 485 485, ये सारा सम कितना हो जाएगा 485, तो x कितना हो जाएगा 70, ठीक है। ऐसे भी निकाल सकते हो, एक दूसरा तरीका एक और भी है। यहां पे देखो एक अप्रोच ये भी लग रही है, अगर मैं ये करूं 7 into 2 कितना हुआ 14 plus 2 16 आ गया, 16 into 2 32 प्लस 2 34 आ गया, ठीक है, 34 into 2 68 plus 2 70 हो गया। ये चीज सही है कि नहीं आगे चेक कर लो, 70 into 2 140 plus 2 142 हो गया, 142 into 2 284 plus 2 सही है ये भी अप्रोच, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं इनकी अप्रोच होती है कुछ क्या या नहीं,
इनकी भी अप्रोच एक होती है सॉल्व करने की, कोशिश होती है सॉल्व करने की, जिससे ये थोड़े से आसान हो सकते हैं, ठीक है। अब वो तो डिपेंड करता है कि आपको टेक्निक हिट कर गई कि नहीं कर गई, वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ कोशिश जरूर होती है इसको सॉल्व करने की। ऐसी कैसे क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ख्याल करना है या तो आप हॉरिजॉन्टली सॉल्व करो या वर्टिकली सॉल्व करो, ठीक। अगर आपने हॉरिजॉन्टली शुरुआत करी है तो सब में फिर हॉरिजॉन्टल 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 चलना होगा, वर्टिकली शुरुआत करी है तो वर्टिकल चलना होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में मुझे क्या ज्यादा आसान पड़ेगा सॉल्व करना, पहले तो एक चीज और भी है इसमें, आप सबसे बड़ा नंबर ढूंढो इसमें भी और वही बनाने की कोशिश करो, ठीक है, जिस भी रो या कॉलम में हो। तो यहां पे सबसे बड़ा नंबर मुझे क्या दिख रहा है, 60 दिख रहा है भाई, ये रहा 60। अब मैं इसे रो वाइज भी ऑपरेट कर सकता हूँ, कॉलम वाइज भी कर सकता हूँ। अगर मैंने कॉलम वाइज ऑपरेट करना शुरू किया तो सब मुझे फिर टेक्निक कॉलम वाइज ही लगानी पड़ेगी, रो वाइज करी तो रो वाइज। अकलमंदी यहां पर कहती है कि मैं कॉलम वाइज ना करके इसको रो वाइज करूं, क्यों, मेरे रो में 3 एलिमेंट है, कॉलम में 4 है। अगर मैं कॉलम वाइज अप्रोच करूंगा तो मुझे 4 एलिमेंट के साथ खेलना पड़ेगा भाई, जो कि थोड़ा सा टफ काम होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन यहां अगर मैं रो वाइज लूं तो भाई मुझे पास 3 ही एलिमेंट है, तो थोड़ा सा आसान पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो इसमें आपको क्या काम करना है, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, सबसे बड़ा नंबर ढूंढो, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर अप्रोच करो। पहले बड़ा नंबर मैंने ढूंढ लिया 60, अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं रो वाइज चलूं के कॉलम वाइज। तो मैंने डिसाइड किया मैं रो वाइज चलूंगा, क्योंकि भाई 3 एलिमेंट के साथ खेलना पड़ेगा। अब 60 इसमें बड़ा है भाई, पहली रो में देखो 60 बड़ा है, मुझे 60 बनाना है बाकी दो नंबर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक, 60 बनाना है जैसे अभी तक हम काम करते हुए आए, बड़ा नंबर बनाना है मुझे बाकी दो नंबर का इस्तेमाल करते हुए। कैसे बना सकता हूं भाई, जो भी अप्रोच में लगाऊंगा वो फिर इस अप्रोच इस रो में भी लगनी चाहिए, इस रो में भी लगनी चाहिए, और फिर इसमें हम लगा सकते हैं, तीनों में लग जाएंगी तो फिर चौथी में लगा सकते हैं, ठीक। तो भाई 48 और 28 का इस्तेमाल करते हुए 60 कैसे आ सकता है, देखो 48 माइनस 28 कितना हो गया, 20 हो गया। 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 60 बन जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 60 बन गया। क्या ये दूसरी रो में टेक्निक काम कर रही है कि नहीं, मैंने क्या किया, लास्ट वाले नंबर में से फर्स्ट वाला नंबर माइनस किया, ठीक है, फिर इनटू 3 कर दिया। तो यहां भी मैं यही करूंगा, लास्ट वाला नंबर सेकंड रो का, सेकंड रो को अप्रोच कर रहा हूं मैं, सेकंड रो में क्या होगा, क्या हुआ, सेकंड रो में क्या होगा, लास्ट वाला नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, यही तो करनी होगी अप्रोच, लास्ट माइनस फर्स्ट कितना हो गया 2, जो भी आया उसको फिर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या आ गया सर, 27 आंसर, हाँ ठीक भाई, ये सेकंड रो में भी अप्रोच लग गई मेरी, थर्ड में और लग जाए तो मेरा काम बन गया। लास्ट माइनस फर्स्ट कितना आया, 13 इंटू 3 39, भाई ये भी फिट हो गई मेरी अप्रोच, दैट मींस मैं यहां लगा सकता हूं 16 माइनस 7 9 इंटू 3 27, आंसर मेरा क्या हो गया 27, ठीक है, 16 इसका आया सही है। देखो अब यहां भी मैंने बड़ा नंबर ढूंढा, 25 मिल गया मुझे। अब मैं चाहे रो वाइज कर लूं या कॉलम वाइज कर लूं, एक ही बात है, मतलब कोई से भी कर सकते हो आप, जो भी आसान लगे, मैं रो वाइज ऑपरेट कर रहा हूं। 25 बनाना है मुझे 6 और 11 का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, कैसे बना सकता हूं, अगर बीच वाले नंबर को 11 का डबल कर दूं मैं, कितना हो गया 22, ठीक है, प्लस फर्स्ट वाले नंबर का हाफ ऐड कर दूं, कितना हो गया 22 प्लस 3 25, ठीक है, इस ये अप्रोच में इस्तेमाल कर रहा हूं, बीच वाले नंबर का डबल किया और इसका हाफ ऐड कर दिया, ठीक, सेकंड रो में बीच वाले नंबर का डबल 6 इंटू 2 12, इसका हाफ यानी कि 8/2 12 प्लस 4 16 मिल गया मुझे, तो अप्रोच सेटिस्फाई हो गई। बीच वाले नंबर का डबल 5 इंटू 2 10
इसका आधा, 12 का आधा कितना हो गया, 12 बाय 2, 10 प्लस 6 डेट इज 16। चलो थर्ड वाला बहुत आसान है, तो 216 आसान है काफी, 729 216 सही है मेरे हिसाब से। 729 कैसे भाई, चेक कर सकते हैं, हो सकता है ये भी एक आंसर हो। पहले मैं बता दूं, 216 मेरे हिसाब से आंसर है, सुनो पहले सुनो ठीक है। मैंने क्या अप्रोच लगाई यहाँ पे, 1 1 1 ठीक है, 2 2 64 मैंने करा, 1 प्लस 1 1 प्लस सॉरी, हाँ ये गलत हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे होना चाहिए था 8 होना चाहिए था, यहाँ 8 होना चाहिए था ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये किया था, मेरी अप्रोच ये थी 1 प्लस 1 2 और 2 का क्यूब कर दो कितना आ गया 8 ठीक। ऐसे ही सेकंड रो में मैंने अप्रोच लगाई थी, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 का क्यूब 64, ये अप्रोच थी मेरी भाई ठीक है। यहाँ पे 8 कर लेना, यहाँ पे गलती हो गई, 111 नहीं होगा, मैंने वो गलत एक्ट कर दिया। तीसरी अप्रोच ये थर्ड वाला, 3 प्लस 3 6, 6 का क्यूब कितना हुआ 216, ये आंसर हो गया। किसने निकाल लिया था 216, तो भाई वो कैसे निकाल लिया जब क्वेश्चन गलत हो गया तो। चलो और कौन सा अप्रोच था, कोई और आंसर बताओ, कोई अगर आ रहा है किसी का तो चेक कर लेते हैं, हो सकता है वो पॉसिबल। देखो भाई 16 7 10 का इस्तेमाल करते हुए ये बनाओ, अगर मैं देखो यहां पे, यहां लिखूं नजर आ रहा है कि नहीं, 16 के स्क्वायर में से ये नजर आ रहा है ठीक है, 16 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस कर दूं, ऊपर वाले नंबर के स्क्वायर में से इन दोनों का स्क्वायर का सम करके माइनस कर देता हूं भाई, ऊपर वाले 16 का स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर क्या आएगा भाई, 16 का स्क्वायर 256 माइनस ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49 प्लस 100 149, तो कितना आ गया 107, 256 माइनस 149। इस वाले के लिए भाई ये अप्रोच यहां पे देखूं, 25 के स्क्वायर में से माइनस 20 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर दूं, तो 25 का कितना होता है 625 माइनस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 60 आएगा 209, 625 में से 416 गए 209। तो भाई लास्ट में ये अप्रोच क्या होनी चाहिए, मेरा आंसर होगा 19 स्क्वायर में से इन दोनों का स्क्वायर का सम माइनस कर दूं, 2 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, 19 का स्क्वायर होता है 361 माइनस 289 प्लस 4 293, तो कितना आ गया 293 68 आएगा इसका आंसर, कितना आ रहा था भाई सर 68 68 आएगा। वाले का अप्रोच, हाँ देखते हैं अभी इसका अप्रोच क्या है, कि ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर में से इन दोनों के सम का, इन दोनों के स्क्वायर का सम करके माइनस कर दो, बड़े नंबर का स्क्वायर किया, ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर किया माइनस इन दोनों का स्क्वायर का सम करके माइनस कर दिया ठीक। सेकेंड वाले का क्या बता रहे हो आंसर 68 है इसका भी। अब इसमें क्या किया है, थोड़ा सा एक जैसा ही है, देखो इसका इसमें भी ये किया है, ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर किया 49 प्लस इन दोनों का सम 2 प्लस 7 सॉरी माइनस है ना सर। अब हाँ अब मैंने क्या किया, 7 का स्क्वायर ऊपर वाले नंबर का इसमें स्क्वायर किया माइनस कर दिया इन दोनों का सम, सिर्फ सम माइनस किया है स्क्वायर करके सम नहीं, 7 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 9 कितना हो गया 40, ये यहां पे लग रहा है कि नहीं, ऊपर वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम 8 प्लस 3 25 माइनस 11 कितना हो गया भाई 14,
तो यहाँ पे 9 स्क्वायर माइनस 7 प्लस 6, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 13, 81 माइनस 13 कितना हो गया भाई, 68 ही तो हुआ, 69 का आंसर आ गया। ओके चलो अभी थर्ड देखो, इसमें कॉर्नर एलिमेंट्स को अगर मैं ऐड कर दूं, 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 कितना मिला, 15, 23, 23 का इससे कुछ रिलेशन है? मैंने कल ही भी आपको बताया था, अगर आप 30 तक स्क्वायर याद करोगे तो आपको पता चल जाता है ये चीज। 23 का स्क्वायर करके देखो कितना आएगा भाई, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। देखो पहले चीज मैंने बताई थी, कोई स्क्वायर इसके पास एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये मालूम चल जाए आपको तो क्वेश्चन आपका काफी आसान हो जाएगा। ठीक, तो देखो भाई क्या आसान हो गया, यहाँ पर 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 में से कितना माइनस कर दूं कि 506 आ जाए, 23 माइनस कर दूं तो 506 होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, 23 के स्क्वायर में से 23 माइनस कर दूं तो 506 मिल गया मुझे भाई। ठीक है, 23 के स्क्वायर में से दिख रहा है ना ये यहां पर लास्ट, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा, इस वाली अप्रोच में भी यही होगा, देखो 7 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 इनको ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो कितना आएगा, 31 हाँ 31 हो गया। अब इसका मतलब क्या करना होगा मुझे, 31 के स्क्वायर में से 31 माइनस कर देना है बस। 31 का स्क्वायर कितना होता है, 961 माइनस 31 कितना हो गया, 930। इसलिए कहा था स्क्वायर याद करो। इस वाले में क्या कर रहे हैं, सबका स्क्वायर करो, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 4 प्लस 25 प्लस 36 हाँ 64 कितना आ जाएगा, 129। ये आसान है, इसमें क्या किया, सबका स्क्वायर करके सम कर दिया गया भाई, 239 आएगा आंसर। 10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 181 499 जोड़ोगे 239 आ जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब अवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोज लाइक दिस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।